जीवन मंत्र योग अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिससे आपका जीवन बनेगा स्वस्थ और निरोग। दोस्तों, जीवन मंत्रा को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जीवन मंत्रा के जो नुस्खे और तरीके होते हैं वो एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक होते हैं। इसलिए चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें। आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आप पाइए घर बैठे, वो भी फ्री में। आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, मस्तिष्क को सक्रिय और शारीरिक दुर्बलता को दूर करने के लिए बादाम बहुत ही गुणकारी होता है। मिठाई और दूसरे व्यंजनों में इस्तेमाल किए जाने वाले बादाम ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, लेकिन बहुत अधिक खाने पर इससे मोटापा भी बढ़ सकता है। इसमें मौजूद वसा आपकी चर्बी को बढ़ा सकता है। बादाम में सोडियम नहीं होने से हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए बहुत ही लाभ मिलता है। इसके अलावा इसके सेवन से खांसी, डायबिटीज़, एनीमिया, पथरी जैसी समस्याओं से निजात मिलती है। तो चलिए विस्तार से इसके औषधीय फायदे जान लेते हैं। 5 बादाम रात को पानी में डालकर रखें। सुबह उठकर इन बादामों का छिलका अलग करके उन्हें मिश्री मिलाकर चाट कर खाने से सूखी खांसी में फायदा मिलता है। बादाम की 4-5 गिरी के छिलके उतारकर घी में भून लें। जब गिरी गुलाबी हो जाए तो उन्हें दूध में डालकर उबालें, फिर चीनी मिलाकर पीने से गर्भावस्था में शारीरिक शक्ति मिलती है, श्वेत प्रदर रोग भी दूर हो जाता है। 3-4 बादामों की गिरी पानी में डालकर छिलके उतारकर लहसुन की एक कली और मिश्री के साथ पीसकर बच्चों को दिन में 2-3 बार चटाने से काली खांसी का प्रकोप दूर हो जाता है। भीगे हुए बादामों की गिरी के छिलके उतारकर काली मिर्च के साथ पीसकर मिश्री मिलाकर सेवन करने से भूलने की बीमारी दूर हो जाती है। बादाम की 5 गिरी रात को पानी में डालकर रखें और सुबह उठकर उनके छिलके अलग अलग करके काली मिर्च और सौंठ के साथ पीसकर मिश्री मिलाकर सुबह शाम खाली पेट सेवन करने से शीघ्र पतन की समस्या दूर हो जाती है। फास्फोरस, लोह और कैल्शियम से भरपूर बादाम की गिरी पीसकर दूध में मिलाकर पिलाने से बच्चों की हड्डियां मजबूत होती हैं। बच्चों के दांत निकलते समय पानी में भिगोकर रखी गिरी के छिलके उतारकर उसको पीसें, फिर दूध में मिलाकर रोजाना पिलाने से बहुत लाभ मिलता है और दांत आसानी से निकलते हैं। बच्चों के तुतलाने की समस्या होने पर उनको रोजाना 3 गिरी पानी में भिगोकर छिलके उतारकर पीसकर थोड़ा सा मक्खन मिलाकर चटाने से कुछ ही दिनों में उनकी तुतलाहट दूर हो जाती है। आंखों की ज्योति की दुर्बलता होने पर बादाम की 5-6 गिरी पानी में भिगोकर छिलके उतारकर पीसकर मक्खन और मिश्री मिलाकर रोजाना सेवन करने से बहुत फायदा मिलता है। बादाम के छिलके को जलाकर उसमें थोड़ी सी फिटकरी मिलाकर खूब बारीक पीसें। इस मिश्रण से मंजन करने पर दांत स्वच्छ, चमकीले और निरोग हो जाते हैं। बादाम की 5 गिरी को पानी में भिगोकर रखें और सुबह छिलके उतारकर पीसकर सेवन करने से चेचक रोग के दाने जल्दी ठीक हो जाते हैं। बादाम खाने से गाल गुलाबी होते हैं। दोस्तों, आपको बादाम जो है वो भिगोकर ही खाने चाहिए, क्योंकि बादाम के भूरे छिलके में टैनिन नाम का एक तत्व पाया जाता है जिसकी वजह से पोषक तत्व पूर्ण रूप से अवशोषित नहीं हो पाते। इसलिए बादाम को भिगोकर और उसका छिलका उतारकर आपको खाना चाहिए, इससे शरीर को पूरा पोषण मिलेगा। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान। जीवन मंत्रा में आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।